यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट हाउ दिल्ली गोज थ्रू ड्यूरिंग दीज हार्वेस्टिंग सीजन्स. जो वहाँ पे पराली जलती हैं उनका धुआं यहाँ आ जाता है, फिर दिल्ली अनबेरेबल हो जाता है. एंड फॉर दैट सेक अभी दशहरा गया था तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई यहाँ पर. हेलो एवरीवन, माय नेम इज ध्रुव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ध्रुव. माय नेम इज ध्रुव तन्वर एंड इन टुडेज़ वीडियो आई विल गो थ्रू द एसेंशियल मॉडिफिकेशंस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350. गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू ऑल फॉर मेकिंग अस अचीव 2500 सब्सक्राइबर्स रिसेंटली. इफ यू आर न्यू टू द चैनल, यू कैन सी माई प्रीवियस वीडियो विच वॉज द डिलीवरी ऑफ द रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350. पूरी वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब कर दो अगर तुम नए हो तो. चलो, आप लोगों के साथ मस्त सा बंधन बनाने के बाद हम आ जाते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर, जो है एसेंशियल मॉडिफिकेशंस फॉर रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 स्टेल्थ ब्लैक, जो भी है. लेकिन अभी ये बात कर लेते हैं कि हमारी बाइक के लिए मेन ज़्यादा ज़रूरी क्या क्या चीज़ें होती हैं, खासकर एक ऐसी हाथी जैसी बाइक. मतलब एक बड़ी बाइक है, संभालने मुश्किल है, अगर गिरती हो तो तुम्हारे टांग को चकनाचूर कर देगी. तो बचाने के लिए लगेगा हमारा मेन लेग गार्ड. पीछे बैकरेस्ट हो गया, आपके घर के अंदर से कोई बैठे तो फिर उसको ज़्यादा दिक्कत ना हो. पर इसके अंदर कंडीशंस अप्लाई, तो बैकरेस्ट ना लगवाएं, क्योंकि अगर कोई उस पर टिकेगा तो आप पे कौन टिकेगा. सो दीज टू वर द एसेंशियल थिंग्स. अदर देन दिस आई विल गो विद द हेडलाइट ड्रिल ऑफ कोर्स, बट नॉट दैट बिग वन. आई विल गो विद द स्मॉल पतली जाली वन. लेट्स मूव टुवर्ड्स करोलबाग बिकॉज इट्स द ओनली हब इन दिल्ली विच ऑफर्स दीज काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन. लेके चलते. जब से बाइक आई है मैंने तो एक बार भी नहीं चलाई, अब पहली बार चलाने वाला हूँ. अगले पिछले 3 दिनों से ना सोचो कितनी एंग्जाइटी होगी बाइक चलाने के लिए. How is my new space? I think I'm coming in a real form to make videos. बहुत एनर्जी बढ़ रही है मुझे ऐसा लग रहा है. मेरी GoPro पे शिफ्ट हो जाता हूँ क्योंकि ये कैमरा तो लेकर जा नहीं सकता वहाँ पे. Let's see how this performs. This is very good bike, yaar. Yeah. Very good bike. Oye, jhatka. Oye. Thodi si na seat iski zyada unchi hai. Yahan se unchi aa jati hai. Isliye the gear shifting up down sara ekdam badhiya hai. Main वैसे भी ना इसको ड्यूक की तरह शिफ्ट कर. पहले स्कूटियों पे घूमते थे, अभी ऐसे घूमते हैं. यार पहले स्कूटी पे ना 60 की एवरेज रहती थी स्पीड, अब कम से कम बढ़ तो जाएगी, 80 पहुंच जाएगी, 100 पहुंच जाएगी क्रूजिंग स्पीड जो. The leaning angle is also good. So I've reached the destination, and as many of you have guessed that I am right. आई एम एट रॉयल बुलेट, जिनका आपने चैनल बहुत देखा होगा. यहाँ पर देखो, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, इसमें एक्सपीरियंस बता दूंगा कि कैसा था. ऑब्वियसली देर वुड बी लेग गार्ड एंड बैश प्लेट दैट वुड बी इंस्टॉल इन द बुलेट. वो अंदर खड़ी है, मैं वो लेके चलता हूँ, उसे दिखा देता हूँ एक बार साथ ही साथ. लेग गार्ड विच इज थर्ड इन द राइट सेंटर. सो वी आर सपोज टू गो टू द फर्स्ट फ्लोर टू गेट दैट. दे विल फिक्स इट ऑन द ग्राउंड फ्लोर. So I finally done purchasing all the accessories for the Classic 350. इसके अंदर से main essential accessories ली हैं. एक तो ये सामने की grill का set है, तो मतलब सिर्फ हेडलाइट के लिए ये decent लगता है, क्योंकि बाकी जो होती है वो बड़ी बल्कि लगती है. एक ये vibration rod ली है, इसी से matching एक हमने जो brake oil cover होता है ये लिया. And जो आगे का bash plate होती है ना वो लिया, engine plate, जिसके ऊपर Classic लिखा हुआ है. दीज आर एक्चुअली द मस्ट हैव, बिकॉज इनके बिना एक राइड कम्प्लीट नहीं होती है. एंड इनके साथ जो एक राइड होती है वो सेटिसफैक्ट्री होती है ऑब्वियसली. एंड जो लेग गार्ड है वो नीचे से लग रहा है, वो साथ साथ इंस्टॉलेशन की मैं आपको दिखाई देता हूँ. सो दिस वॉज द टोटल एस्टिमेट, अप्रॉक्सीमेटली 1000 rupees फॉर ऑल दीज एक्सेसरीज, विच इज़ ऑब्वियसली वेरी डिस्काउंटेड. नो वेयर फाइंड, ऐसी इतनी सस्ती एक्सेसरीज कहीं मिल भी नहीं सकती हैं आपको. सो दिस इज़ द स्टोर. ये प्रॉपर स्टोर है, यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी. अभी जाके नीचे इंस्टॉल करवाता हूँ, फिर देखता हूँ कि क्या रिव्यू निकलता है. ये जाली बहुत प्रोटेक्ट करती है, लेकिन ना एट द सेम टाइम काफ़ी बल्की लगती है. मेरे को थोड़ा बल्की लगती है, मेरे को थोड़ा लाइट लुक चाहिए. जैसा लाइट लुक आ रहा है ना इसके अंदर,
वैसे एकदम थोड़ा लाइट लुक चाहिए ताकि ना कार ज़्यादा बल्कि ना लगने के साथ थोड़ी हल्की लगे एंड अच्छी भी लगे। दिस इज अ वेरी स्पेशल रॉयल एनफील्ड, लुक एट द रिम्स यार। The thing you are saying here is not actually green, this is the cover of it. इसको बाद में निकाल देंगे, then ये एकदम simple हो जाएगा। बढ़िया है, तो ऑलमोस्ट ऑल द वर्क इज डन, सारा काम ऑलमोस्ट हो गया है। द लेग गार्ड इज डन, द बैश प्लेट इज डन। नाउ अब जिसकी बारी है वो है इसकी आगे की ग्रिल हो गई, इसका जो ऑयल रिजर्व है उसका रिजर्व हो गया। ये लगाड़ फुल अभी थोड़ा सेटिंग के लिए यहाँ अड़ रहा है ना ये। अच्छा सेंसर में एक बार खोल के करवाते हैं। चलो ठीक है, जो है वो आपको शॉर्ट्स दिखा तो ज़रूर नहीं पाऊंगा क्योंकि अंधेरा होने लग गया है। मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट डे इसके शॉर्ट्स अलग से लूँगा एंड वो क्लिपिंग्स में डालूंगा। अंदर बिल्कुल भी नहीं बोल सकता बिकॉज देर इज़ सो मच ऑफ नॉइज़। अभी क्या करते हैं, अभी इसका काम सारा करवाते हैं एंड लास्ट में आपको बढ़िया से शॉर्ट्स दूंगा एंड इसकी प्राइसिंग भी ऑब्वियसली दूंगा कि क्या क्या काम कितने कितने में हुआ एंड देट वुड बी जस्टिफाइड एट ऑल। So everything is now done. Once I reach home, then only I will tell you कि यहाँ पर क्या कॉस्ट आया, क्योंकि यहाँ पर रुकने का कोई सेंस नहीं है। यहाँ से निकलते हैं, ठीक है, बाय। सो दिस इज़ द वेरी वेरी नेक्स्ट डे, जिस दिन मैंने मॉडिफिकेशन करवाई थी यानी कल, और आज मैं दिखाने वाला हूँ क्योंकि ऑब्वियसली कल डे लाइट खत्म हो चुकी थी। नेचुरल लाइट के अंदर आपको ना और ज़्यादा मज़ा आएगा फुटेजेस देखने के अंदर। इसके अंदर लगवाने तो मैं गया था एसेंशियल चीज़ें, पर वहाँ जाके ना कुछ मैंने प्लान्स बदले, कुछ चीज़ें बदली। ये सारी चीज़ें देखने के लिए वीडियो को देखना लास्ट तक एंड इन सब की जो प्राइसिंग है ऑब्वियसली आई विल टेल एट द एंड, जिसके अंदर सारी की सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। एक्सेसरीज लगाने से पहले मुझे ज़रा सा आइडिया नहीं था कि दैट बाइक विल लुक दिस मच ब्यूटिफुल लुक, क्योंकि एकदम हालात बदल गए, जज्बात बदल गए बाइक के। बिल्कुल इसके अंदर बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही है। दैट इट इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल दैट हाउ शी लुक्ड बिफोर पुटिंग एक्सेसरीज एंड आफ्टर पुटिंग एक्सेसरीज, देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दैट। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर मैंने क्या क्या एक्सेसरीज लगवाई हैं। वीडियो शूट करने के लिए स्पेशली इस टाइम पर आना पड़ता है क्योंकि आसपास कोई भी नहीं होता ताकि मैं आपसे मास्क उतार के बात कर सकूँ, बिकॉज ऑब्वियसली मास्क पहन करना आई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता, मतलब वो कॉन्टैक्ट नहीं बन पाता।
So this is how the bike is looking. You can see the before and the after video that how this is looking. Enhances the look of the bike jo black hai already and black ke saath ye jari hai. This is the grill set. This is actually totally metallic grill set. ये वाली ग्रिल लगाने का मेरा ये मकसद था क्योंकि जो एक बड़े वाली हैवी वाली ग्रिल आती है वो तो पता नहीं किस गधे ने बनाई है, इतनी गंदी लगती है वो लगने के बाद. दैट इज़ वेरी शैबी, एक्चुअली दैट गिव्स अ वेरी शैबी लुक टू द बाइक. दैट्स व्हाई मैं ये पतली क्रॉस ग्रिल्स के अंदर गया था. वरना देखो, नहीं लगाना और लगाने में फ़र्क ये है कुछ मैटर नहीं करता. जस्ट आई वॉन्टेड अ रग्ड लुक इन द बाइक, दैट्स व्हाई आई हैड वेंट फॉर दिस ग्रिल. रिमेंबर दैट देयर इज़ नो नीड इफ यू आर राइडिंग इन सिटी फॉर अ ग्रिल. Now I have put this reservoir. This is the brake oil reservoir. इसका एक कवर आता है. आई हैव पुट दिस कवर जस्ट फॉर द लुक बिकॉज द बाइक हैज़ मेनी सिल्वर एलिमेंट्स इन इट. ये सिल्वर एलिमेंट्स हैं. द टैंक कैप इज सिल्वर, सो आई हैव वेंट फॉर दिस सिल्वर. दिस कम्स इन ब्लैक ऑल्सो, बट आई हैव वेंट फॉर सिल्वर, एनहांसिंग द लुक. थर्ड थिंग ऑन द टॉप इज दिस. This is the type of rod that gives a broad look to the handle. चलाने के बाद और यूज़ करने के बाद तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि वाइब्रेशन रॉड ने मेरी कितनी वाइब्रेशन कम कर दी, कोई आइडिया नहीं है. लेकिन इससे एक्सपीरियंस राइडर्स का ये कहना है कि इससे वाइब्रेशन थोड़ी सी कम होती है एंड फ़र्क आता है 20-30% वाइब्रेशन के अंदर. वन एंड ओनली माइटी लेग गार्ड. अ बुलेट विदाउट अ लेग गार्ड इज अ बर्ड विदाउट विंग्स, सो कॉल्ड अ बर्ड विदाउट विंग्स, दैट्स वॉट वी कॉल इट. So after putting the leg guard, the real look of a Royal Enfield enhances and comes. So this was the leg guard that is specially made for BS6 vehicles because iske andar O meter aata hai, ye oxygen meter hota hai ya oxygen sensor hota hai. So iski fitting bahut acche se karke di. ये लेग गार्ड एक्चुअली फर्स्ट टाइम लगाया था तो ये मीटर के थोड़ा सा पास में था, इस सेंसर के पास में था. देन व्हाट दे डिड वाज दे टुक आउट द होल लेग गार्ड. इतना सच में कोई नहीं करता है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आई हैव गॉट नो प्रमोशन मनी. लास्ट वीडियो जो नेक्सॉन के ऊपर थी उसके अंदर कहा था कि अगर तुम उस प्रोडक्ट के अंदर कमीशन ले रहे हो, दैट्स व्हाई यू आर ब्रैगिंग अबाउट दैट प्रोडक्ट. माइंड दैट द LEDs दैट आई हैव इंस्टॉल्ड इन नेक्सॉन वो बहुत अच्छी थी, तब मैंने उनकी तारीफ करी थी. ये अच्छा है, इसकी बिल्ड क्वालिटी है अकॉर्डिंग टू द प्राइस दे ऑफर्ड मी. दैट्स व्हाई आई एम ब्रैगिंग अबाउट दिस दैट येस दिस प्रोडक्ट इज वर्थ टेकिंग. दिस इज द फिफ्थ आइटम. दिस इज द इंजन प्लेट वेयर क्लासिक इज रिटन. ओह सॉरी, क्लासिक इज बीन कट फ्रॉम के थ्रू कंट. हुआ CNC कट पीस है, टोटली कास्ट आयरन, बहुत हार्ड है. और ये प्रोटेक्ट करता है आपके इंजन को फ्रॉम बिलो ऑल्सो, फ्रॉम ऑल द पेडल स्टोन्स एंड ऑल द स्पीड ब्रेकर काइंड ऑफ थिंग्स. क्योंकि जैसे ही यहाँ से टायर स्पीड ब्रेकर से उतरेगा, अगर वो बड़ा हुआ तो आपको इंजन बैंग ना करे, तो ये होता है इसके लिए. एज यू कैन सी फ्रॉम बिलो. सो फाइव थिंग्स आर बिलो लाइन. नाउ कम टू द नेक्स्ट थ्री थिंग्स दैट आई एम इंस्टॉल्ड दैट आर एक्चुअली एसेंशियल. इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो आई टोल्ड यू दैट कि मैं लगवाने वाला हूँ अपना एक बैक रेस्ट. वहाँ जाकर करना पड़ा मुझे अपना आइडिया चेंज बिकॉज आई वॉज गोइंग फॉर अ बैक रेस्ट दैट वॉज हार्ले डेविडसन स्टाइल. बट आई थॉट दैट उससे थोड़ी सी और ना हैवी लुक आ जाएगी. मैं वो थोड़ी सी ना चाहता नहीं था. थोड़ी सी पीछे से लाइट रहे, आगे से तो मस्त हो गई है बाइक, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन पीछे से मैं चाहता था थोड़ी सी लाइट लुक आए. बट वॉट आई डिड वॉज आई टुक दिस लेदराइट पीस. दिस इज़ नॉट फोम. इसके अंदर एक फोम आता है एंड एक लेदर आता है. सो दिस इज़ एक्चुअली लेदर. ओके, सो उन्होंने खोला नट से. ये जो रॉड आती है पीछे, इसके ऊपर लेदर लगा दिया एंड दिस गोज वेरी वेल विद द बाइक सीट्स कॉन्ट्रास्ट ऑल्सो. सो दिस इज एक्चुअली वर्थ द डे. सो गाइस, अ पॉइंट ये आ गया था कि अगर मैंने आगे ग्रिल लगा दी है, क्या मुझे पीछे ग्रिल लगानी चाहिए थी? एक्चुअली जहाँ मैं खड़ी करता हूँ बाइक, वो बहुत ही ज़्यादा नैरो जगह है, तो वहाँ पर पीछे वाली लाइट टूटना 100% श्योर है. तो वॉट आई डिड वॉज आई डिड नॉट बाई द कम्प्लीट ग्रिल सेट, दैट इज़ फॉर इंडिकेटर्स. लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखना, जो आगे की पीछे ग्रिल मैंने लगाई है, ये मैंने ये सोचकर लगाई है कि मेरी जो लाइट थ्रो है वो बिल्कुल कम ना हो, पीछे की लाइट अच्छे से देखे एंड आगे की लाइट ऑब्वियसली वी नीड दैट इन सिटी कॉर्नर्स एंड कहीं पर भी आप चला रहे हो, लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो उसी को ध्यान रखकर मैंने आगे ग्रिल लगवाई है. जो एक बड़े वाली आती है ना, शैबी लुक देती है, उससे लाइट भी थ्रो कट जाता है, पीछे वाले से भी थोड़ा सा कट जाता है. बट येस, दैट इज डिसेंट इनफ टू. एंड द लास्ट थिंग दैट विल गिव अ लिटिल रिच लुक टू योर साइलेंसर. दिस इज द एग्जॉस्ट रबर. अगर मैं बैक कर रहा हूँ बाइक और ये एग्जॉस्ट किसी दीवार में लगता है, सो इसके ऊपर स्क्रैचेस ना आए तो फिर ये एग्जॉस्ट रबर दिए हैं यहाँ पर. एंड दैट्स ऑल. दीज वर द 8 एक्सेसरीज. दैट वॉज द फ्रंट ग्रिल सेट, द शॉकर रॉड, द वाइब्रेशन रॉड. दिस द फ्रंट ग्रिल सेट,
वाइब्रेशन रॉड क्लासिक अमेजोन से भी, अगर ये अमेजोन पे अवेलेबल हैं तो मैं इनका मैं लिंक डाल दूंगा, ऑल द लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, सो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दैट वॉज ऑल द मॉडिफिकेशंस, द बेसिक मॉडिफिकेशंस दैट आई डिड इन दिस बाइक। आगे जो एक वीडियो आएगी दैट आई विल ब्रिंग ऑन द LED इंडिकेटर्स अपग्रेड, ओके। इसके अंदर काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि तार पलट के लगानी पड़ती, एंड यू कैन ऑल्सो टेल कि अगर मैं इनमें से कोई एक्सेसरी भूल गया हूँ या फिर कोई मुझे लगानी चाहिए, दैट इज़ वेरी मच रिकमेंडेड। आई विल ऑल्सो गो फॉर द बैश प्लेट दैट इज़ द इंजन, आई हैव पुट द इंजन प्लेट एंड मैंने बैश प्लेट भी जाऊँगा जो एकदम नीचे से इंजन को कवर करती है, दैट इज़ फ्रॉम ऑक्सटक्स, येस आई विल ऑल्सो पुट दैट इन फ्यूचर बट नॉट नाउ, अभी नेसेसरी नहीं है क्योंकि सिटी राइडिंग के लिए दैट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल। वैसे एक्सेसरीज़ एंड मॉडिफिकेशंस का तो दीवाना मैं बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन बट आई डोंट थिंक दैट आई वुड बी एबल टू शेयर मेनी थिंग्स फ्रॉम यू गाइज, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी एक्सेसरीज़ की जो मॉडिफिकेशन वीडियोज़ हैं वो पहले से ही पोस्टेड है, तो ढेर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड येस आई विल बी डूइंग सम कॉमन मॉडिफिकेशंस ऑल्सो जो पहले लोग कर चुके हैं, दैट्स एसेंशियल, फर्स्ट थिंग फर्स्ट दैट्स एसेंशियल, बिना एसेंशियल मॉडिफिकेशन इसके ऊपर अच्छी लगेगी भी नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू जस्ट बल्क इट लाइक माई स्कूटर आई डिड। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरी डिलीवरी वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लो, एंड यू गाइज हैव शोन सच अ ब्यूटीफुल रिस्पॉन्स ऑन दैट, थैंक यू सो मच, आपका दिल से आभारी हूँ। 2500 सब्सक्राइबर्स हमने टच करे हैं, अभी वीडियोज़ रोज़ आ रही हैं, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू पुट डेली वीडियोज जब तक मेरे पास टाइम है, क्योंकि कॉलेज अभी है नहीं, देखते हैं, लेट्स सी। सो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है ज़रा सा भी, अगर आप दिल से हो तो कमेंट करके बताओ, प्लीज़ कमेंट कर दो इस वीडियो के ऊपर कि आपको ये मॉडिफिकेशंस कैसी लगी, बिकॉज दीज आर द एसेंशियल मॉडिफिकेशंस दैट एनी रॉयल एनफील्ड शुड हैव। सो यस लेट्स लीव फॉर होम। अगर ये वीडियो आपके दिल को कहीं ना कहीं छू गई है और आपको ये मॉडिफिकेशन पसंद आई है, सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो ऑल्सो, आपके शेयर करने से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, एंड जिसको शेयर करोगे उसको बोल देना कि यार सब्सक्राइब तो कर दो कम से कम, इतनी मेहनत कर रहा है अगला, ठीक है। मीडियो ने नेक्स्ट वीडियो सुबह सून, बी यू क्रिएट न्यू, माय नेम इज ध्रुव विशिंग एंड टेकिंग अ बाय फ्रॉम नाउ, मीडियो ने नेक्स्ट वीडियो सुबह सून, बाय बाय।